नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना को लेकर बड़ी चुनौती है और अगर बात करें उत्तर प्रदेश का दिल यानी राजधानी लखनऊ की, तो यहां बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ अतिक्रमण को लेकर भी सक्रियता जरूरी है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले जानकीपुरम में अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिससे कई लोग सड़क पर आ गए। यहाँ वो भी गलत हैं जो अतिक्रमण किए हुए थे, तो वो भी गलत हैं जो यहाँ वर्षों से अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे थे। यहां सरकारी कार्यवाही पर सवाल नहीं, पर एक सवाल जरूर है इनको बढ़ावा देने वालों पर। सी न्यूज भारत ने आज उस जगह पर जाकर लोगों की राय जानी, उनको गलती भी बताई तो उनका दर्द भी समझने का प्रयास किया। नगर निगम लखनऊ स्मार्ट सिटी बनने की तरफ अग्रसर है, तैयारी चल रही है और तैयारियां यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की चल रही है। अतिक्रमण के खिलाफ भी नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है और दिखाया जाता है कि किस तरह से यहाँ पर अभियान के माध्यम से चीज़ों को बेहतर किया जाता है। पर कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात है, जहाँ पर एक तरफ अभियान चलाकर अतिक्रमण करने वालों को हटाया जाता है वो एक पक्ष होता है, पर जो अतिक्रमण किए हुए थे उनकी राय लेनी भी ज़रूरी है कि आखिर वो क्यों अतिक्रमण किए हुए थे और अगर वो हटाए गए हैं तो उनको किस तरह हटाया गया है, क्या उनको कोई पहले बताया गया या उनको चेतावनी दी गई कि नहीं दी गई इसके बाद हटाया है, या उनको कहीं और समायोजित करने की नगर निगम की कोई अन्य योजना है जिसके तहत उनको यहाँ पर समायोजित भी किया जाएगा, लाभ भी दिया जाएगा। पर यहाँ पर जानकारी जो मिलेगी वो मिलेगी जिनके दुकान जिनके व्यवसाय को यहाँ पर हटाया गया है। कार्रवाई को मैं गलत नहीं कहूँगा और कहनी भी नहीं चाहिए, पर बात इनकी भी सुननी चाहिए जो यहाँ पर हटाए गए हैं, जिनको यहाँ से हटाया गया है, जिनके जो व्यवसाय कर रहे थे, छोटे छोटे काउंटर लगाए हुए थे, चाय बेच रहे थे, जूता सिल रहे थे या गाड़ी बना रहे थे, हवा भर रहे थे, इनकी चर्चा करनी भी ज़रूरी है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इनकी राय भी जान लेता हूँ। क्या बोलेंगे, कल एक दो दिन पहले अभियान चलाया गया है और आप लोग क्यों अतिक्रमण करते हैं भाई, जब सरकार बोलती है अतिक्रमण मत करिए। कितने सालों से यहाँ दुकान चला रही, दुकान रही यहाँ होगा 6-7 साल जी, और यहाँ पे हैं, आराम से रह रहे थे और आराम से खा रहे। कोई चीज़ का एक नॉलेज होना चाहिए। आज मैं यहाँ पे आ रहा हूँ अस्थाई जगह पे, तो मैं ये संदेश नहीं हुआ आया कि स्तर चालू हो गया। अच्छा। और जैसे मैं दुकान हटाया चले, दुकान को दबोच दिया गया। अच्छा। और उसमें मेरा काफ़ी सामान भी टूट गया। अच्छा। और फिर उसके वजह से मेरे हाथ में और पैर में भी मुछोल आ गई, उसको मैं दर्द को संभाल लिया, मगर ऐसे करते हुए सारे दुकानदार वाले रोते हुए रह गए, मगर क्या है, मगर वो लोग मानते नहीं, अपना काम करते चले जाते हैं। तो आपको लगता है यहाँ पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, यहाँ रोड पर आपने दुकान लगा ली है, कोई रोका नहीं था आपको दुकान लगाने के लिए? रोकने के लिए हमको कहा भी नहीं गया था, जिसकी प्लाट पे लगाया था उसने कहा था साइड में लगा लीजिए। अच्छा। तो हमने लगा लिया था। अच्छा। मगर क्या है, वो तो हमसे कह दिया, हमें मिला प्लाट भी, इसको साफ सुथरा करके रखिएगा और लगा लीजिएगा। इसके पहले भी कभी नगर निगम के लोग आए आपको कहा इसको हटाने को कहा या पुलिस बल ने हटाने को कहा? नहीं, पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। अचानक आए हैं, अचानक आए तब तीव हटा गए। अब हो सकता है अचानक से नजर आया हो कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, हालांकि अतिक्रमण जहाँ भी होता है वो नजर भी आता है। एक साथी और खड़े नजर आ लेता हूँ मैं, क्या दुकान थी आपकी? हमारी सिलाई की दुकान थी। दुकान थी रोड पे बैठे हुए, रोड के किनारे 20 साल पे बैठे हुए भाई। काफी दिन से दुकान हमारी, 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, 20 साल हो गए। तो 20 साल से नगर निगम ने नहीं लिखा था? नहीं, आते थे, हटा लेते हैं जो दुकान हटा लेते रहे। क्या बोले आपको, हटा रही है क्या बोले कुछ आपके लिए कहीं, यहाँ से हटा लीजिए जो ना, हटा लीजिए, दुकान नहीं लगाओगे आप? दुकान नहीं लगाना। अच्छा, पहले कभी आए? पहले आए तो हटा लिया, मौका भी दिया जो है, मौका भी दिया, इस बार मौका भी नहीं दिया। इस बार चले ठीक है। 20 साल यहाँ पर रहे। एक साथी और है, आपकी दुकान भी थी जी? यहाँ पर हमारे दो काउंटर थे। अच्छा। एक करीब बिरयानी के। अच्छा। वो उठा के ले गए, सब तोड़ दिया बुरी तरीके से। हम लोग वहाँ पर जाके देखा, वो हम लोग बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, वो नहीं माने कोई बात। अच्छा, सही है, थोड़ा समय दीजिए, हमने कहा हमको हम हटा लेंगे, अपना सामान सब हटा लेंगे। उन्होंने समय नहीं दिया, कुछ नहीं मिलेगा, आप सब वहाँ से जाके लेना। वहाँ हम बहुत चीज़ें सब तोड़ दिया, देखिए सब टूटा पड़ा हुआ, सब वहाँ पड़ा हुआ है, आपने यहाँ बात कही कि आपके काउंटर हटाए गए, आप मानते हैं कि आप अतिक्रमण किए हुए जी? इलीगल तो है, हम मानते हैं इस बात को, हम स्वीकारते हैं हम गलत हैं, पर हमें समय दिया जाता है, हटा लेते उस चीज़ को, हम अपना यानी आपका नुकसान नहीं होता हमारा। अच्छा, मतलब उस चीज़ से परेशान नहीं होता। कितने साल हो गए आपको यहाँ लगाए हुए? करीबन 3-4 साल हो गए। क्या इसके पहले कभी आप लोगों को नहीं कहा गया? कभी नहीं कहा गया, कभी नहीं कहा गया, कभी नहीं कहा गया। लोग आते थे, देखते थे, बिल्कुल,
पुलिस वाले भी आता था, पुलिस वाले भी आते थे, नगर निगम के लोग भी आते थे, सब लोग आते हैं हमारे पास, खाते हैं आके यहाँ बैठ के, बहुत पसंद करते हैं। लखनऊ में काफी कुछ हमारा फेमस है ये। अच्छा, खाते भी थे? जी, हम ब्लॉगर्स बना के ले गए वीडियो, हमारा बहुत फेमस है यहाँ पर। अच्छा, एक करी एक बिरयानी, बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ खाने के लिए। अच्छा, हो सकता है शायद इस वजह से कुछ हमारा नुकसान किया हो। अच्छा, आपका नुकसान किया हो जी। आपने यहाँ बताया कि हमारे काउंटर तोड़ दिए, अचानक आए, आपको समय नहीं दिया, आपने उनसे समय मांगा? बिल्कुल समय मांगा हमने, कहा कि सर हाथ जो है इंस्पेक्टर को उतार के लिए गए, उन्होंने हाथ जोड़े रो रही थी, बहुत कुछ कहा, उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, हटो यहाँ, चलो अब हम लोग हट जाओ, तब सब हमने हम खुद हटा चुके, सब कुछ यहाँ से हटा दिया हमने, सब अपना तोड़ लिया खुद ही हमने, बस काउंटर हम साइड में कर दिए थे, पीछे से सही उठा के लेके बताइए। चलो क्या बोलेंगे सर, हम दो साथ में। अच्छा, आप लोग? हाँ, हम दोनों काउंटर उठा ले गए, दोनों काउंटर। हाँ जी सर, हम लोग हाथ गिड़ाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, सब लोग देख रहे, सब लोग से पूछे, किसी से पूछ लीजिए, सब लोग जानते हैं, मगर किसी ने बात हमारी सुनी नहीं सर, बस नुकसान बहुत हुआ हमारा, नुकसान बहुत हुआ। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे भाई, क्या दुकान थी आपकी? मोटरसाइकिल की, बाइक सर्विस सेंटर का। अच्छा सर, 10 साल से हम जी, 10 साल हो गए जी, मेरे को 10 साल नहीं, 10 साल में कभी किसी ने माना नहीं सर, रोड पर अतिक्रमण नहीं है, मेरी बहुत किनारे दुकान है, किनारे दुकान है जी जी। क्या बोले आपको, कहीं जगह देंगे आपको लगाने? नहीं नहीं, कभी नहीं बोले, हम तो यही चाहते हैं कि वो हमको कहीं से बचा अलर्ट कर दे हमको जगह, तो जो मंथली का किराया होगा हम आपको दे देंगे। अच्छा, जो आप चाहते हैं जी, नगर निगम का किराया है, हाँ, जो उनका बैंड, उससे मेरा कभी नुकसान भी नहीं होगा, उनको भी दिक्कत नहीं होगी, हमको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और लोग भी हैं, चलो इनकी राय जानता हूँ, अपनी दुकान लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, चलो ठीक है, जो दुकान लगाते हैं ये ऐसे चले आए, चलिए कोई बात है भाई, आप आइए सामने, अरे ना रहते, चलिए बोलना ही नहीं चाहते हैं, आइए भाई, आइए, कौन है भाई, आइए आइए, काई दुकान थी आपकी? किसी दुकान थी आपकी? हमारी चाय का होटल था, परचून दुकान थी। कहाँ पर? ये सामने। आपको तोड़ दिया? तोड़ दिया। कितने साल हो गए? अभी अभी आज चौथा दिन भाई है तोड़े। कितने साल हो गए दुकान? दो साल हो गए हैं। दो साल हो गए जी। क्या आप यहाँ पर दुकान लगाए थे, लीगल थी? नहीं थी। नहीं थी। आपको रोका गया दुकान लगाने से पहले? नहीं जी, नहीं रोका गया। नहीं, फिर अचानक आके तोड़ गए, आपको समय नहीं दिया हटाने का? नहीं जी। आपने मांगा समय? समय भी बोला गया, नहीं कोई समय नहीं दिया गया। कोई समय नहीं दिया गया जी। अब कोई बातचीत हुई है कि व्यवसाय कहीं ना कहीं करेंगे, कहीं कुछ भी बनाने की, कुछ भी करने की बात हुई है? कुछ भी नहीं, मना कर दिया है, दुकान बिल्कुल नहीं लगेगी, दुकान बिल्कुल नहीं लगेगी, सीधा संदेश है यहाँ पर जी। पुलिस वाले रोज आके मना भी कर जा रहे हैं कि दुकान नहीं लगेगी, दुकान लगेगी तो उठा के अंदर कर दूंगा और सब सामान भर ले जाऊंगा, सामान भर ले जाऊंगा। चलिए ठीक है, क्या बोलते वहाँ थाने में कहते थे, वहाँ जेल में हम तुमको डाल देंगे उठा के, और वहीं पड़े पड़े सड़ोगे। अच्छा। कहते सारा सामान उठा ले जाएंगे, तुमको भी वहीं डाल देंगे, जेल में पड़े रहोगे। अच्छा, कोई जमानत नहीं देने वाला होगा हमको। करीब 6 साल हो गई। क्या दुकान लगाते थे? प्लास्टिक का दुकान लगाते थे सब। हाँ, कहाँ दुकान थी आपकी? दुकान हमारी यही रोड पर थी, यही ठेला पे लगाते हैं। क्यों लगाते थे रोड पर दुकान? क्यों लगाते थे? रोड पे, रोड के किनारे लगाते थे, वही बच्चे को पालना है तो किसी तरह तो कमा खमा के खिलाएंगे, कहाँ से हम खिला पाएंगे? अगर नहीं करेंगे कोई रोजगार तो कोई या तो हमको नौकरी सरकारी दी जाए, कोई रोजगार करके तो कमा खा लाएंगे, कैसे हम बच्चे को पाले? या नहीं कहते जगह ही मिले, कहूँ भी मिल जाए, हम अपनी रोजी रोटी चलाऊँ, अपने बाल बच्चों को जिया, और फिर मैं एक हाथ के टूटे हुए यहाँ मेरा है। ठीक है, ठीक है, हमारे बच्चे की भी पाँव टूटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जानकीपुर में देखा लोगों की हाल, जिनकी दुकानें हटाई गई, परेशान है, काउंटर तोड़ दिए गए, और सबका बात यहाँ पर देखी गई कि यहाँ पर समय नहीं दिया गया। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कई सालों दुकान लग रही थी, तो ये दुकानें भी नज़र में आई होंगी, पर अब तक नज़र में क्यों नहीं आई थी ये भी बड़ा सवाल है। और अगर इनकी दुकानें तोड़ी गई, इनको हटाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो बैंडिंग जोन व्यवस्था है उसके तहत नगर निगम यहाँ पर समायोजित करने की व्यवस्था भी हो सकता है, इनके लिए बना है, पर व्यवस्था कब बनेगी वो फिलहाल अभी भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात स्पष्ट है, कार्रवाई कोई भी हो, चाहे अवैध के खिलाफ हो चाहे बैठ के खिलाफ हो, कार्रवाई होती है, और दर्द गरीबों को जरूर होता है, और हमेशा कहा भी जाता है कि जाके पाओ ना फटी भी भाई, वो कह जाने पीर पर आई। हटाइए, व्यवस्था सुधारिए, स्मार्ट बनाइए, पर कम से कम गरीबों का भी ध्यान रखिए कि अगर कहीं पर ये व्यवसाय कर रहे हैं तो इनको समायोजित करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि ये भी यहाँ पर अपने आप को जीविका चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, और देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग भी करते नजर आ रहे हैं। दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, श्री भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।